ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 8 अगस्त 2020 शनिवार का दिन है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जिसे रक्षा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। उत्तरा भाद्रपद नामक नक्षत्र मीन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खाकर के यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर के 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कुछ स्थानों पर माना जाता है और कई जगह नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल ग्रह मीन राशि में और बुध कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन व केतु धनु राशि में विराजित रहेंगे। चंद्रमा और मंगल दोनों एक राशि में होने के कारण महालक्ष्मी योग निर्मित हो रहा है और इस महायोग के कारण वृषभ मिथुन कर्क कन्या तुला धनु और कुंभ इस 7 राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होगा। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा का भी उत्तम योग बन रहा है। आमदनी बढ़ने का योग है और कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। जो कार्य इनके द्वारा पिछले दिनों किए गए हैं उसका भी इनको उत्तम परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको व्यवसाय और कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है, इसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, इस कारण आप उन्नति करेंगे तथा प्रगति करेंगे। आप अपनी हर भावना और हर सोच को किसी न किसी से शेयर करने के लिए उतावले हो सकते हैं और इससे आपको फायदा भी हो सकता है। कुछ बेहद व्यावहारिक फैसले भी आप कर सकते हैं। नौकरी में उन्नति और प्रगति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन साथी से मदद मिलेगी, धन लाभ का उत्तम योग बना हुआ है और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा, भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कुछ गुप्त घटनाएं घटित हो सकती है जो आपके पक्ष में रहेगी। आप कोशिश करेंगे तो किए गए लगभग हर काम से आपको लाभ होगा। आप किसी कार्य के बारे में चिंतन करेंगे तो अचानक वह चीज आपके सामने आ जाएगी। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत तेजी से व्यतीत होगा, सकारात्मक नजरिया अपना रखें। साथ के किसी व्यक्ति से आपको जरूरी मदद या सलाह मिलने का योग है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप किसी को अपने विचार से सहमत करवाने की कोशिश करेंगे तो दिन बहुत अच्छा है और सभी कार्यों को आप अच्छी प्रकार से खुश मिजाज से यदि करेंगे तो लाभ होगा। मांगलिक समारोह की योजना बन सकती है या ऐसे कोई कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात आपकी फायदेमंद होगी। उपाय के रूप में किसी भी पेड़ के नीचे यदि आप थोड़ी सी शक्कर डालेंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा, आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी पुरानी टेंशन समाप्त हो जाएगी, आपका समय ठीक होने वाला है और पुराने कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति विषय से आपकी लंबी चर्चा हो सकती है, सामूहिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका बहुत सारा काम बहुत आसानी से और तेजी से निपट जाएगा। मन में आदर्शवादी विचार बने रहेंगे, कई मामलों में आप बेहद व्यावहारिक भी रहेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। आज कम से कम समय में बहुत से काम आपके निपटते जाएंगे, इसमें आपको सफलता मिलेगी। सबको साथ लेकर चलने में आप सफल हो जाएंगे। आज आपको व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में, नौकरी में पदोन्नति या अच्छा फायदा होने का योग है। उपाय के रूप में यदि आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा, आपका भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। घर और परिवार में जो है आपको कुछ नया काम या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुछ विशेष काम भी आपको करने पड़ेंगे। धन संबंधी कार्यों में किस्मत का साथ मिलेगा, आपके बहुत से काम आसानी से पूर्ण भी हो जाएंगे। आप कार्यक्षेत्र में जिस पहचान और सम्मान के लिए
कोशिश करते आ रहे हैं वह आपके बेहद नजदीक है, समय अनुकूल है। आप अपने करियर और पेशे में प्रगति के लिए हर संभव कोशिश जरूर करें। मेहनत के दम पर आज आपको जो है सभी कार्यों में अच्छा फायदा होगा। धर्म, उच्च शिक्षा, कानून, राजनीति और यात्रा से जुड़े मामलों में आप सफल हो जाएंगे। आज लोग जो है आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, यह आपकी उन्नति का ही एक संकेत है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और किसी विशेष कार्यों में आपकी उन्नति तथा प्रगति होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि एक होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि सफेद होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपके साथ कुछ सुखद घटनाएं घटित होने वाली है तथा तरक्की के अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। कुछ नए मौके आपके सामने आ सकते हैं। आप प्रबंधन से जुड़ा कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। सकारात्मक रहे और आत्मविश्वास के साथ सभी कामों को धैर्य से आपको करना चाहिए। वाद विवाद किसी के साथ बिल्कुल न करें। अपने स्वभाव में आपको सौम्यता रखने की आवश्यकता होगी। कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तनाव और दबाव की स्थिति आपके ऊपर बनी रहेगी लेकिन नियंत्रण करना आपके हाथ में होगा। और उपाय के रूप में यदि आप शनिदेव के मंदिर में काले तिल चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपको अपने कामकाज की वजह से मान सम्मान प्राप्त होगा। दिन आपके लिए शुभ है। रोजमर्रा के काम आसानी से समय पर पूर्ण हो जाएंगे। आप जो भी फैसला करें सोच विचार करके आपको करना चाहिए और अपने विवेक से करना चाहिए। पहले सभी विकल्पों पर अच्छी प्रकार से विचार कर ले। जरूरत पड़े तो परिवार के लोगों से और दोस्तों से और परिचित लोगों से सलाह अवश्य करें। किसी पूर्व निर्धारित योजना में आपको कुछ आंशिक परिवर्तन करना पड़ेगा। आप किसी भी स्थिति पर जितने शांत रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। घर, परिवार और ऑफिस में आपको लाभ तथा सहयोग प्राप्त होगा। जमीन से संबंधित व्यापार करने वाले को अच्छा फायदा होगा। और उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में मेहंदी चढ़ाएंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। आपका भाग्यशाली रंग जो कि हरा होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। बहुत से समय से कोई व्यक्ति आपको लगातार टालता आ रहा है तो आज आपका काम कर देगा या करवा सकता है। आज आपको ऐसे लोगों से काम करवाना है जो आपका काम नहीं करना चाहते हैं। दुश्मनों पर आपकी विजय होगी। जिम्मेदारी की भावना के दम पर आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई खास काम आपको दिया जा सकता है जिसमें आपको अच्छा आनंद आएगा। जरूरी सूचनाएं आपको मिल सकती है। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरों को खुश करने की हर संभव आप कोशिश करेंगे। आपके मन में उदारता रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अच्छे संकेत आपको प्राप्त होंगे। पुराने लोन संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे खुश रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान कर देंगे तो आपका दिन सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज आपको अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। आज आप खुद के काम से ही खुश रहेंगे। जहां तक हो सके ऑफिस में बड़े लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। कुछ लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। समस्याओं का समाधान करने में आप सफल रहेंगे। आपके रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। कोई काम रुकेगा नहीं। लिखा पढ़ी के कार्यों से आपको फायदा होगा। आज आप हर मामले को अपने स्तर पर निपटा लेंगे। और राजनीति के क्षेत्र में आपको पद प्राप्ति के संकेत या पद प्राप्ति हो सकती है। आपकी ही कोई योजना यदि चल रही है तो उसमें आपको फायदा होगा। नौकरी में पदोन्नति होगी। व्यवसाय में फायदा होगा। दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। और उपाय के रूप में भगवान गोपाल जी को मिश्री चढ़ाना आपके लिए सफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। आपका भाग्यशाली रंग जो कि केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। खुद पर आपको विश्वास रखने की आवश्यकता होगी तो कैरियर में कुछ नए अवसर भी मिलेंगे। आगे बढ़ने के कुछ नए रास्ते आपको दिखाई देंगे। आत्मविश्वास कम न होने दे। धैर्य आवश्यक होगा। कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है तथा अपनी भावनाएं आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से चला रहा झंझट समाप्त होगा। कोई ऐसा काम भी हो जाएगा जिसका बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं।
कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और सुखद समाचार घर परिवार में प्राप्त होगा। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में एक इलायची और लौंग चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि नीला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप घर में कुछ परिवर्तन करवा सकते हैं या घर की मरम्मत या वाहन का रखरखाव करने की योजना बना सकते हैं और घर के संबंधित कोई सामान भी आप खरीद सकते हैं। नया काम, नई जिम्मेदारी मिलने वाला दिन रहेगा। कहीं से कोई अचानक खुशखबरी भी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। काम का जुनून आपके ऊपर हावी रहेगा। ऑफिस में आपको किसी नए काम की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अचानक लाभ आपको प्राप्त होगा। परेशानियों से निपटने के लिए, समाधान के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में हल्दी का दान किसी भी मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा, आपका भाग्यशाली रंग जो कि सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आप दिन भर सावधानी से काम करेंगे। कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं जिनमें आप रुचि दिखाएंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कोई आखिरी फैसला न करें, थोड़ा समय ले, शांति से विचार करें, सारे विकल्प और फायदे नुकसान को देखकर ही विचार करें। नौकरी के मामलों में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आप हर समस्या को आसानी से निपटा लेंगे। आपके मन में कोई योजना चल रही है तो उसमें भी आपको बड़ा फायदा होगा। आपके जो अधूरे काम है वह भी आपके आसानी से पूर्ण हो जाएंगे और अपनी वाणी के दम पर आप अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आपकी कॉपी करेंगे, लोग आपको जो है फॉलो करेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप पीला चंदन भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि पीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। बिगड़े हुए रिश्ते और काम सुधर जाएंगे, सुलह भी हो जाएगी। आज आपके आसपास वालों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे। नौकरी और करियर से संबंधित कुछ नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आप स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम पूर्ण कर लेंगे। ऑफिस की समस्याएँ लगभग कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और उपाय के रूप में एक नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा और आपका भाग्यशाली रंग जो कि लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा उनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।